नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं। एआई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। इसी दिशा में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई साथ मिलकर एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी लागत तकरीबन $100 बिलियन हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाना भी शामिल है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम स्टारगेट होगा, जिसे साल 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट ने इस सुपर कंप्यूटर को 5 चरणों में तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें स्टारगेट 5वां चरण। माइक्रोसॉफ्ट अभी ओपन एआई के लिए 4थे चरण में छोटे सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, जो कि 2026 तक लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा दूसरे चरणों की लागत का भी बड़ा हिस्सा एआई चिप खरीदने में लगेगा। निवेडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के मुताबिक इस चिप की कीमत लगभग $30,000 से $40,000 तक हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल नवंबर महीने में कस्टम डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप की एक जोड़ी की घोषणा की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा, जो कि मौजूदा डेटा सेंटर के 100 गुना ज़्यादा महंगा होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल को टक्कर देने के लिए काफ़ी पहले से एआई पर बड़ा दांव लगा रही है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की बढ़ती मांग को देखते हुए पारंपरिक डेटा केंद्रों की तुलना में उन्नत कार्यों को संभालने में सक्षम एआई डेटा केंद्रों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता फ्रैंक सो ने अपने एक बयान में कहा कि हम एआई की क्षमता की सीमा बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो कि अगली पीढ़ी के काम आने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।